सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे चिकन चाउमीन रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चले अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चिकन चाउमीन रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया, पैन के अंदर शामिल कर दिया। ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। सबसे पहले हम फिलिंग्स रेडी करेंगे रोल की। शिमला मिर्च शामिल करेंगे 1 प्याली, बारीक बारीक मैंने काट ली है। साथ ही हम 1 प्याली ग्रेट की हुई गाजर शामिल करेंगे, 1 प्याली बंद गोभी, 1 प्याली है थ्रेडर की हुई उबली हुई, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही हम हरा प्याज शामिल करेंगे, 1 प्याली है वो भी। नूडल्स शामिल करेंगे, पैकेट नूडल्स हैं 1 प्याली, मैंने बॉईल कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चाउमीन रोल रेडी होते हैं। और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर किसी भी काली मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून हम सोया सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून क्योंकि ऑलरेडी चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। चिकन चाउमीन रोल बनाने के लिए फिलिंग को ज़्यादा देर नहीं कुक करते, और 2 से 3 मिनट हमने कुक करना है। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद उसको ठंडा करेंगे, फिर रोल के अंदर फिल करेंगे। बस अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बंद कर दें, फिलिंग को ठंडा करेंगे, उसके बाद रोल के अंदर फिल करेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी भी है। रोल को सील करने के लिए मैंने पतला सा एक बैटर रेडी किया है। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। ये देखें इतना पतला बैटर मैंने रेडी कर लिया है। रोल पट्टी मैंने ली है समोसा शीट जो होती है, रोल की भी शीट मिल जाती है आसानी से। अब एक एक उठाते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह हम पकड़ के एक किनारा रोल करते जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे और एजिस पे हम सील करने के लिए जो कोट रेडी की है हमने पतला सा बैटर वो लगाएंगे। इस तरह हल्के हाथों से रोल करते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रोल एक रेडी हो गया। इसी तरह बाकी तमाम रोल रेडी कर लेंगे। एक और रोल मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। पट्टी को आपने इस डायरेक्शन में रखना है। ये देखिए ऐसे हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे, एजी से पकड़ेंगे। ये देखें सेम दूसरी तरफ से भी ऐसे। और आखिर में हम पतला सा बैटर लगा देंगे सील करने के लिए रोल को। हल्के हाथों से पकड़ के ऐसे टर्न करते जाएंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रोल रेडी हो गया हमारा।
इसी तरह बाकी तमाम रोल रेडी करेंगे। चिकन चाउमीन रोल हमारे रेडी हो गए, अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी बने। रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हम मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, जैसे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर आ जाएगा, फिर हम टर्न करेंगे। चिकन चाउमीन रोल हमारे एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, हम टर्न करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। आप समोसों के अंदर भी ये फिलिंग कर सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। देखिए हमने टर्न कर दिए हैं, अब जैसे दूसरी तरफ से कलर आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम निकालेंगे, बाकी जो बच गए वो फ्राई करेंगे। चिकन चाउमीन रोल हमारे रेडी हो गए हैं, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ चुका हुआ है, निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बाकी भी रोल हम डाल देंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। सेम उसी तरह फ्राई करेंगे, जैसे ही फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही यमी एंड टेस्टी चिकन चाउमीन रोल रेडी है। इस चिकन चाउमीन रोल को मैंने इमली की चटनी और खुबानी की चटनी के साथ सर्व किया है। अभी मैं आपको एक रोल काट के दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बना। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है और बहुत ही यमी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।